Assalamu alaikum, dear students of class 5. I'm your grammar teacher. Students, as you know, in previous videos we have done first 7 parts of speech, and in today's video we will discuss about interjection. So first of all, I'll tell you what does interjection mean. An interjection shows the emotion or feeling of the author. These words or phrases can stand alone or to be placed before or after a sentence. So we can say that the word which shows our sudden feeling, emotion, these are called interjection. Now look at the page number 41. Interjections are the exclamatory words or sentences spoken suddenly and loudly in order to express strong feelings of surprise, anger, etc. इंटरजेक्शन वो वर्ड्स हैं जो कि सेंटेंसेस में इस्तेमाल किए जाते हैं. किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? हमारे सडन इमोशंस और फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए, उनका इजहार करने के लिए. लाइक ओह गॉड, वाओ, हुर्रे, दीज आर ऑल इंटरजेक्शन. एंड कीप वन थिंग मोर इन योर माइंड, वी हैव टू पुट एक्सक्लेमेशन साइन आफ्टर राइटिंग इंटरजेक्शन. सो स्टूडेंट्स, आई टेल यू द सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरजेक्शन. द फर्स्ट वन इज़ फॉर अटेंशन, तवज्जो के लिए. विच वर्ड वी विल यूज़? लाइक लो, हाक, हुश, स्टडी. फॉर एड्रेस, किसी को मुखातिब करने के लिए, किसी से बात करने के लिए, किसी को बुलाने के लिए, अटेंड, हेलो और हाय. फॉर अप्रूवल, पसंदीदगी के लिए. लाइक ब्रावो, ग्रेट, वेल डन, बिंगो. ओके, दीज आर सम इंटरजेक्शन विच वी यूज़ फॉर अप्रूवल. नेक्स्ट इज़ फॉर एक्सीडेंटल हैपनिंग, मतलब बहुत ज़्यादा इत्तफाकी तौर पर, हादसे के तौर पर जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं. लाइक उप्स, जैप. जैप इज़ वर्ड विच वी यूज़ व्हेन वी हिट, मतलब जब हमें कोई चोट वगैरह लग जाती है तो, या हमें कोई ज़ख्म लगता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं. लाइक ओह नो. एंड फॉर कंटेम्प्ट और रेडिक्यूल, लाइक नफ़रत के लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं, लाइक हुश और बा. फॉर अम्यूज़मेंट वी कैन यूज़ है, हो, वाओ, यमी, वेल एज वेल वी कैन यूज़ फॉर अम्यूज़मेंट. फॉर ग्रीफ वी कैन यूज़ ओ, अलास. ओके, इट्स वेरी कॉमन इंटरजेक्शन विच वी यूज़ टू शो आर सोरो और ग्रीफ. फॉर जॉय वी कैन यूज़ हुर्रे, वाओ, याहू एज वेल. फॉर ऑर्डर, हुक्म के लिए, लाइक होल्ड, क्विक, गो, रेडी. दीज आर फ्यू इंटरजेक्शन विच वी कैन यूज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इन अ सेंटेंस टू शो आर सडन फीलिंग और इमोशन. ऑन योर बुक देर आर ऑल्सो मैनी इंटरजेक्शन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यू कैन यूज इन योर कन्वर्सेशन. नाउ स्टूडेंट्स, मूव टू पेज नंबर 43. हियर आर टू एक्सरसाइज. लुक एट द एक्सरसाइज नंबर 2. मैच द फॉलोइंग वर्ड्स ऑफ कॉलम ए विद कॉरस्पॉन्डिंग sensible sentences in column B. Look at first one. How palatable. I haven't had such delicious food before. Second is keep up the spirit, and you will match this column in moreover you try more best. Third is congratulations, your brother got married. Next is excellent. A respectable person as you could do this. Next one is shame on you. You are afraid of your younger brother. Next one is what a great victory, and you will match this column with we won by 2 goals. Next one is how disgraceful, and you will match this to I myself will take this cloth. Next is how lovely. We want you to work hard for first rank. Now students, your home task is to do exercise number 3 by your own self after reading and understanding the topic interjection. I hope you will complete your task, and we will meet in next video. Till then, Allah Hafiz.